नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2:53 पर भूकंप आया, कुछ देर तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और ये बताया जा रहा है कि कुछ देर तक ये झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में रहा भूकंप का केंद्र। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए और केंद्र की बात करें तो केंद्र बताया जा रहा है नेपाल केंद्र रहा है भूकंप का। 2:53 पर यह भूकंप आया था और पूरे दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके कुछ देर तक महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और नेपाल में रहा भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों पहले ही लगातार एक के बाद एक भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए थे और आज भी अचानक से 2:52 के आसपास करीब 6 झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। और सबसे बड़ी बात है कि ये झटके इतने तेज थे कि लोगों ने इसको बाकायदा महसूस किया और लोगों में एक खौफ तरीके से पैदा हो गया, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो हाई राइज बिल्डिंग में भी काम करते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में काम करते हैं और उनके नीचे आते आते करीब 6 झटके कहीं ना कहीं महसूस किए गए। अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि 4.6 की जो तीव्रता है वो महसूस की गई है, यानी इससे अधिक भी ये तीव्रता हो सकती है। ऑफिशियल स्टेटमेंट का अभी इंतजार करना होगा क्योंकि थोड़ी देर पहले कहीं ना कहीं ये भूकंप आया है। इसके साथ ही लोगों से यही अपील की जा रही है कि अभी चूंकि ये भूकंप आया है तो कुछ देर के लिए वो घरों से बाहर रहें, और ऐसे लोग जो ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें हैं वो भी आ रही है, चाहे नोएडा की बात करें, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि देश के कई इलाकों में जो भूकंप के झटके हैं वो कहीं ना कहीं महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो इस भूकंप का केंद्र है वो नेपाल है, तो निश्चित रूप से आज अचानक से भूकंप के झटके भारत में महसूस किए गए हैं और तमाम लोगों में अचानक से अफरा तफरी भी मच गई, क्योंकि कई लोगों ने इसको महसूस किया तो कई लोगों ने इसको महसूस नहीं किया, और जिन लोगों ने बताया कि भूकंप आया है तो अचानक से लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ कि भूकंप आया है। लेकिन एक के बाद एक करीब 6 झटके लोगों ने महसूस किए और अभी भी जो लोग हैं वो सड़कों पे निकले हुए हैं। कई गलियों की अगर हम बात करें तो लोग कहीं ना कहीं घरों से बाहर अपने निकले हुए हैं। यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो भूकंप का जो झटका महसूस हुआ है अभी फिर से भूकंप ना आए, क्योंकि आपने देखा पिछली बार जिस तरीके से भूकंप आया था तो एक के बाद एक 2 घंटे के अंतराल पर फिर से भूकंप आ गया था। हालांकि तीव्रता की अगर हम बात करें तो 4.6 के आसपास अभी फिलहाल हो सकता है। आधिकारिक जो स्टेटमेंट है उसका इंतजार करना होगा। फिलहाल नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है और गाइडलाइंस भी जिस तरीके की जारी की गई है या जो सुझाव दिए जाते हैं कि खंभों के नीचे लोग खड़े ना हो और ऐसी बिल्डिंगों के आसपास खड़े ना हो जिसके गिरने का खतरा है, जर्जर मकानों के आसपास भूकंप आते वक्त खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से तमाम जो गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश है या यूं कहें कि जो सुझाव है वो दिए जाते रहे हैं समय समय पर। और आज करीब अगर हम बात करें थोड़ी देर पहले भूकंप के करीब 6 झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं।